हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई टीच यू पोइम सेकंड ऑफ क्लास टेंथ, द शाम ऑफ लाइफ. ओके, कंपोज्ड बाय एच डब्ल्यू लॉन्ग फेलो. ओके, द शाम ऑफ लाइफ. शाम ऑफ लाइफ मींस जीवन का भजन. So in this poem, the poet tells us the true meaning of life, and according to him, life should not be meaningless and aimless. He says that life is full of struggle. And each one of us should have the courage to face them, to face the difficulties. Okay, so the life is very important for us, and we should always make the life useful. Okay, so the poet at last the poet says that we should keep our lives busy in useful works to make our lives okay. So this poem is very important for our life, and the poet in this poem says that the life is dream, the life is struggle, the life is earnest. Okay, so let's start explaining of this poem. Listen carefully. Life is real, life is earnest. Life is real. Jeevan, real means vastavik hai. लाइफ इज ईयरनेस, जीवन गंभीर है. एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, एंड और द ग्रेव मीन्स मृत्यु, इज नॉट मीन्स नहीं है, इट्स गोल मीन्स इसका उद्देश्य, और इसका उद्देश्य मृत्यु नहीं है, है ना. डस्ट दाउ आर्ट, हम सब मिट्टी के बने हैं. टू डस्ट एंड इटरनेस, और मिट्टी में ही मिल जाना. इटरनेस मीन्स मिट्टी में मिल जाना. डस्ट दाउ आर्ट, हम सब मिट्टी के बने हैं. एंड टू डस्ट रिटर्न डस्ट, और मिट्टी में ही मिल जाए. वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, वाज नॉट स्पोकन मीन्स नहीं कहा गया है. ऑफ द सोल मीन्स आत्मा के लिए, ये आत्मा के लिए नहीं कहा गया है. बिकॉज द सोल इज इमॉर्टल, द सोल इज इमॉर्टल, राइट. क्योंकि आत्मा क्या है, अजर अमर है. Not enjoyment and not sorrow, ना ही खुशी है nor sorrow, और ना ही दुख है. Is our destined and our way, है ना, हमारे भाग में. हमारे भाग में सुख दुख भोगना नहीं है. इसका मतलब ये निकालेंगे कि हमारे भाग में सुख दुख भोगना नहीं है. What to act, परंतु हमें कर्म करना चाहिए. That is tomorrow find us further than today, कि that each tomorrow, कि प्रत्येक आने वाले कल में. find us means हम पाएं, further means अधिक उन्नति, than today means आज की अपेक्षा, कि प्रत्येक आने वाले कल में आज की अपेक्षा अधिक उन्नति प्राप्त करें. फिर next stanza है कि in the world's broad field of battle, here the poet compare the world to the battle. Okay, यहां पर जो कंपेयर संसार को कंपेयर किया वो बैटल, युद्ध क्षेत्र से किया गया है ना. तो इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, ये संसार क्या है, ये एक युद्ध क्षेत्र की तरह है, है ना. ये संसार, इन द वर्ल्ड मीन संसार, ब्रॉड मीन विस्तृत, फील्ड मीन क्षेत्र है, और बैटल मीन युद्ध का. ये संसार एक युद्ध क्षेत्र की तरह है. इन द बीवियस ऑफ लाइफ, और इसमें द बीवियस मीन पड़ाव के समान है, ऑफ लाइफ मीन जीवन, और जीवन इसमें क्या है, एक पड़ाव के समान है. Be not like dumb,
हमें गूंगा गूंगा की तरह नहीं होना है, ड्रैगन कैटल और भेड़ बकरियों की तरह नहीं होना है। ड्रैगन कैटल मतलब भेड़ बकरियां, हमें गूंगे और भेड़ बकरियों की तरह नहीं होना है। बी आर हीरो इन द स्ट्राइक, बी आर हीरो इन द स्ट्राइक, बी आर हीरो हमें तो वीर बनना है। इन द स्ट्राइक मीन संघर्ष में, हमें संघर्ष में वीर बनना है। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग, लेट अस देन बी अप एंड डूइंग, हमें लगातार कार्य करते रहना। विद हार्ट हृदय के साथ, फॉर एनी फेट किसी उद्देश्य के लिए, है ना, फेट मीन्स होता है उद्देश्य, एम, हमें किसी उद्देश्य के साथ हृदय के साथ, हमें किसी उद्देश्य के लिए हृदय के साथ लगातार कार्य करते रहना है। स्टिल अचीविंग, हमें स्टिल मीन्स सदैव, अचीविंग मीन्स प्राप्त करते रहना है। स्टिल परस्यूइंग, परस्यूइंग होता अनुसरण करना, और हमें लगातार अनुसरण करते रहना है, हमें लगातार कुछ न कुछ प्राप्त करते रहना और कुछ न कुछ अनुसरण करते रहना है। लर्न टू लेबर, और लास्ट लाइन में कवि ने कहा है कि लर्न टू लेबर, सबसे पहले लर्न मीन सीखो, लेबर मीन्स मेहनत करना, सबसे पहले मेहनत करना सीखो, एंड टू वेट फिर इंतजार करो, है ना, कर्म करो, फल की इच्छा तो बाद में करो, पहले कर्म करो, है ना। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एक्सप्लेनिंग ऑफ दिस पोइम, ओके, थैंक्स।